ये वीडियो मैं स्टूडेंट्स की डिमांड पे बना रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं सर आप इतने व्लॉग्स बनाते हैं तो क्यों ना आप किसी अपने किसी पोजीशन होल्डर किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट का स्टडी रूटीन शेयर करें। और इसकी ज़रूरत भी बहुत है क्योंकि बच्चों का स्टडी पैटर्न चेंज हो गया है। लाइक मुझे याद है 2015-16 के आसपास मैं 100% फिजिकल पढ़ाता था, शायद उस टाइम ऑनलाइन बिल्कुल नहीं था, और अब हमारा 90% ऑनलाइन होता है और शायद 10% फिजिकल होगा। इतना बच्चों का रुझान शिफ्ट हो गया और उसकी बहुत सारी वजूहत भी हैं। एक तो टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आ गया है, उसमें ईज बहुत है, इसी तरह फ्यूल कॉस्ट भी इतनी बढ़ गई कि बच्चों के लिए फिजिकली आना मुश्किल होता है। फिर ऑनलाइन इतने सारे लोगों ने पढ़ के इतने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिए कि ये पाथवे लोगों को समझ में आ गया है। फिर ऑनलाइन में बहुत टाइम सेविंग भी है, लाइक एक फिजिकल स्टूडेंट हफ्ते में 3 क्लासेस अटेंड करता है फिजिकली आके, जबकि ऑनलाइन वाला बच्चा दिन में 2 क्लासेस ले लेता है, तो दोनों की स्पीड में बहुत फ़र्क है। तो जिस स्टूडेंट को आज मैंने आपके सामने आपके लिए पिक किया है ना, हर नेम इज़ लवीजा बेग और वो हमारी स्टार स्टूडेंट है। शी गॉट 7 पोजीशंस इन ACCA, यानी ACCA पार्ट 2 और पार्ट 3 को मिला के टोटल उनकी 7 नेशन वाइड पोजीशंस आई हैं, कोई मजाक बात नहीं है। और जो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, वो डायरेक्टली मैंने उनसे पूरी उनका इंटरव्यू लिया और वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ताकि आपको उनकी उनके पॉजिटिव पॉइंट्स से आप भी कुछ सीखें। सबसे पहला पॉइंट, पास रेट। अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया बल्कि पेपर पिक करने के लिए सबसे पहले उन पेपर्स को ऑप्ट करना है जिनका पास रेट अच्छा हो। इसको आप यूँ सोच लें, देखें जब आप कोई गेम खेलते हैं, कोई भी आपने गेम खेली हो लाइफ में, तो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 इस तरह आते हैं ना, तो स्टेज 1 2 शुरू के स्टेजेस आसान होते हैं, फिर वो डिफ़िकल्टी लेवल पे लेके जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें उन पेपर्स को पहले ऑप्ट करें जिनका पास रेट अच्छा हो, तो ऑटोमेटिकली आपके भी पासिंग और स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 2, कंप्लीट कोर्स राइट ऑन टाइम। कोर्स राइट टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बेचारे पेपर देने से 2 दिन पहले 1 दिन पहले कोर्स कंप्लीट करते हैं और हारा हुड़ी में पेपर देते हैं, ना कोई रिवीजन ना कुछ। ये अच्छे बच्चों का रूटीन है, जैसे उनका रूटीन था कि वो समझ लें 25 डेज 30 डेज पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लेती थी। और यकीन करें कोर्स राइट टाइम पे कंप्लीट करने के लिए राइट टाइम पे स्टार्ट करना ज़रूरी है। अब राइट टाइम पे स्टार्ट किया है कि अब तो क्वार्टरली बेसिस पे पेपर होते हैं, तो इनकी आदत ये थी कि हमेशा ये वेरी नेक्स्ट डे, यानी जैसे ही पेपर देकर आए उसके नेक्स्ट डे स्टार्ट कर लेती थी स्टडीज़। यहाँ पर सवाल ये होगा सर फिर तो इनकी कोई सोशल लाइफ ही नहीं होगी। नहीं, उस पर मैं बात करता हूँ, वो हमसे बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ है। तीसरी चीज़, स्टडी प्लान बनाएं। देखिए हम जब कोई बिजनेस भी करते हैं ना, तो एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, तो यहाँ भी हम ये कहेंगे कि स्टडी प्लान बनाएं। मैं आपके साथ कुछ सैंपल्स अपनी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ जो कि उन्होंने ही मेरे साथ शेयर किए हैं कि भाई जो टोटल आपने LMS खोलना है और उसमें देखने टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स इस पेपर्स के कितने हैं और अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो उसी हिसाब से डिवाइड करके अपना एक प्लान बनाएं। हर इंसान का अपना प्लान होता है, ये प्लान उनका हो सकता है डिफरेंट है, आपका डिफरेंट होगा, हर इंसान का अपना प्लान है, और फिर उस प्लान को फॉलो करें, लाइक 2 lectures or 1 lecture per day, और उसको फिर फुलफिल करें। अच्छा, यहाँ बात उठती है कि जब वो इतना पढ़ाई करती थी तो सोशल टाइम का कैसे है? तो देखें वो उनके अपने अल्फाज हैं, ये अल्फाज हैं उनके कि आई यूज़ टू अर्न माई सोशल टाइम, मैं सोशल टाइम को कमाती थी। कैसे? अगर दिन में उन्होंने 2 lectures देखने हैं ना, तो सुबह उठते ही बस आपने अपना टाइम सेट किया और 2 lectures देखे, एंड 2 lectures मीन्स विदाउट सेल फोन। ये उनके अपने अल्फाज हैं, सीधी बात है सेल फोन में डिस्ट्रैक्शन है, यानी मुझ जैसा आदमी भी अगर सेल फोन के साथ कोई काम करता है तो मैं खुद भी काम नहीं कर पा रहा होता। तो आपने लेटर से 4 hours में या 3.5 hours में अपने ये दोनों लेक्चर्स आज के दिन के कंप्लीट किए, आज के दिन का कोटा कंप्लीट, उसके बाद आप नेटफ्लिक्स, जो आप अपनी सोशल लाइफ इंजॉय करें, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें। और ये उनके अपने अल्फाज हैं, और मैं अपने ऊपर भी रख के बता रहा हूँ कि मैं खुद टीचिंग करता हूँ तो मुझे पता है दिन में डेली मुझे समझ लें 1 lecture रिकॉर्ड करना पड़ रहा होता है, मुझे 1 vlog बनाना पड़ रहा होता है, उसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ रही होती, तो मैं अपना टाइम टेबल सेट कर लेता हूँ, बस ये करना है और उसके बाद मैंने फुल इन्जॉय करना है। तो अगर इस पैटर्न इस तरतीब को फॉलो करोगे तो आपको लाजमी फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बात भी उनके अपने अल्फाज हैं कि बोला कभी कभार मैं क्लासेस विद फ़ोन लेती थी, तो जब विद मोबाइल फ़ोन लेती थी ना तो मोबाइल फ़ोन में डिस्ट्रैक्शन इतनी है, बोला वो लेक्चर्स मुझे कभी कभार वापस सुनने पड़ते थे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, बेशक स्टडी प्लान बनाए लेकिन बिल्कुल टेंशन में ना आ जाए। ऐसा होता है कि एट टाइम्स आपके पास बीच में ईद आ रही होती है, रमज़ान आ रहा होता है, आपके फैमिली में इवेंट्स आ रहे होते हैं, तो कभी कभार एक साथ 2-2 दिन तक आपका टाइम ही नहीं होता, तो पूरा दिन स्किप कर दें, लेकिन उस 2 दिन में जो मिस हुआ है वो बाद में कवर कर लें, यानी आपने एक साथ फुल डे इन्जॉय कर लिया, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो है शॉर्ट समरीज। समरीज लाजमी बनाएं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उस लेक्चर को सुनने के बाद उसकी शॉर्ट समरी बनाएं, ताकि बाद में आपने एक क्लिक किया और आपके सामने आ गया, जिसको हम कहते हैं एग्जाम फोल्डर। वन मोर थिंग, मॉक एग्जाम। मैंने कहा ना कि वो लेडी हमेशा राइट टाइम पे कोर्स कंप्लीट करती थी, तो जब आप राइट टाइम पे कोर्स कंप्लीट करते हो तो फिर उसके बाद आप एग्जाम रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो, एग्जाम आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, रिवीजन डेज देख सकते हो, मॉक कर सकते हो, मॉक अपना मार्क करवा सकते हो। तो ये उनकी रूटीन रही है कि उन्होंने हमेशा मॉक एग्जाम किए।
और आखिरी चीज़ जो उन्होंने नहीं बताई, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारे पेपर्स उनको पढ़ाए, और वो है रिस्पेक्ट, कि अपने टीचर की एक्सट्रीम एक्सट्रीम रिस्पेक्ट करना। ये मैं बिल्कुल आँख बंद करके बोल सकता हूँ, और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि बेशक गौर से सुनिएगा कि जिस टाइम आप टीचर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उस टाइम आप थोड़ी इन्वेस्टिगेशन बेशक कर लें, लेकिन वंस यू हैव सेलेक्टेड द टीचर तो अब अंधा एतमाद करके पढ़ें। अब अगर आप कंफ्यूज होंगे कि यार नहीं यार ये चीज़ अच्छी है ये बुरी है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है फिर कभी आपको मन ही नहीं लगेगा। यानी उस वो बच्चा जो टीचर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहा होता है, उसका एग्जाम कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। मैं एंड में एक किस्सा सुनाता हूँ, और ये सुनिएगा, बड़ा सीखने वाला किस्सा है। मैंने पास्ट में इस पर एक मीम भी बनाई थी, लेकिन वो डेफिनेटली जोक था, यहाँ मैं उसका एक अलग एस्पेक्ट आपके सामने पेश करता हूँ कि अगर स्टूडेंट के दिल में सच्ची तलब है ना, तो वो एक ऐसे टीचर से भी फ़ायदा उठा सकता है जिस टीचर को अच्छा काम नहीं आता। सुनिएगा, एक पीर साहब थे, और उस पीर साहब की नज़र उनके मुरीद के जेब पे थी, यानी मुरीद के लिए इस्लाह नहीं चाहते थे, बस मुरीद से पैसे कमाना चाहते थे। तो एक दिन मुरीद जो है ना, वो पीर साहब के पास आया, और पीर साहब को बोला कि हज़रत मैंने ख्वाब देखा है। तो पीर साहब ने कहा कि क्या ख्वाब देखा है? तो बोला, हज़रत मैंने देखा है कि आपके हाथ में शहद है, और मेरे हाथ में जो है ना गंदगी और गलाजत है। तो पीर साहब यूँ चौड़े हो गए। पीर साहब ने कहा, हाँ हाँ हम अल्लाह वाले हैं, तो हमारे हाथ में शहद और आपके हाथ में तुम दुनियादार हो, गंदगी और गलाजत। तो मुरीद ने कहा, हज़रत पूरा किस्सा तो सुन लें। बोला, उस ख्वाब में मैंने अपना हाथ आपके मुंह में दिया हुआ था और आपने मेरे मुंह में दिया हुआ था। यानी इस कहानी का सेंट्रल आइडिया क्या है कि मुरीद सच्चे दिल से आता था तो उसको फ़ायदा पहुँच रहा था, उसके मुँह में शहद जा रहा था, और पीर साहब को नुकसान हो रहा था। यानी अगर स्टूडेंट अगर सच्चे दिल से पढ़ने वाला है, और बेशक टीचर इतना एक काबिल नहीं भी है, तो भी उसको फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपने सीखा होगा। आप लोग भी अपने, अगर आपको इस व्लॉग से फ़ायदा हुआ है तो उसको शेयर करें, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और टॉपिक्स भी मुझे सजेस्ट करें जिन पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।